मुझे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिले इतना ज्यादा क्रीमी है धो रही धोरियो पानी से धो रही पानी से ऐसा लग रहा है कि वो निकल ही नहीं रहा है मतलब एक टाइम पे था ना न, ना ऐसे पॉलिश लेकर भी के इतना ज्यादा उस वर्क करना पड़ता था काफी अप्लाई हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्लाईन आप सबको पता है नायका पे पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है और मुझे बहुत लग के डी एम की प्लीज कुछ मेकअप रिकमेंडेशन दे दीजिए दी सो रिसेंटली मैंने पिंक फ्राइडे सेल से बहुत कुछ बाय भी किया था तो मेरे पास पास सर व्यूअर तो आई थॉट क्यों ना मैं एक हॉल भी बना दूं साथ ही साथ रिकमेंडेशन भी आपको देती रहूंगी क्या-क्या आप बाय कर सकते हो इस पिंक फ्राइडे सेल में क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑफर है सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और नायका पे जो पिंक फ्राइडे सेल चलता है उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मतलब डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है बट उस उसपे जो फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना मुझे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिले बट डेफिनेटली वो आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी हेलो नमस्ते नमस्कार शिकाला वन कम एन यो विद नम्रता तो मैं ऐसा कोई कैटेगरी वाइज नहीं चलने वाली हूँ कि स्किन केयर देन मेकअप हेयर केयर मैं सिर्फ रैंडमली जो भी मेरे हाथ में आते जाएगा मैं उसको बताती जाऊंगी तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की बात करने वाली हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर वो हो है मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ अ सीताफिल का मॉइस्चराइज़र ये मेरा लाइक like, फोर्थ uh, या फिफ्थ परचेज़ है पहले मैं निविया बहुत यूज़ करती थी और उसके बाद मैंने ये ट्राई किया जब से मैंने ये ट्राई किया मैं अभी तक कोई दूसरा मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं कर रही हूँ बट हाँ फर्स्ट टाइम मैंने इतने बड़े साइज़ में लिया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा ऑफर मिला नहीं तो यूजुअली मैं ये वाले साइज का ही ऑर्डर करती हूँ बट बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो एंड और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो किसी के भी रिकमेंडेशन से तो आप उसका स्मॉल वन पहले बाय करो जिससे कि आप देखो कि क्या वो आप पे सूट करता है उसके बाद ही आप बड़े साइज पे जाओ अगर आप ऑलरेडी कुछ यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली इस पिंक फ्राइडे सेल में आप बड़ा वाला ही लो बिकॉज बड़े वाले पे बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा है well, guys, अगर आपकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन है मस्ट ट्राई दिस मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके स्किन को ना इतना ही आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना होता क्वांटिटी में थोड़ी क्वांटिटी में इतने अच्छे तरीके से स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है और वो ऐसा नहीं होता कि चिपचिपापन होता है वैसा नहीं आता है इसमें सो डेफिनेटली ट्राई अगर आपने अभी तक इसे नहीं यूज किया है गो फॉर दिस इन मॉइस्चराइजर नेक्स्ट है ये प्लम का क्लिनजिंग बाम इट्स अ मेकअप रिमूवल और ये भी मेरा रिपर्चेज है सबसे पहले मैं मेकअप रिमूवल के लिए ना पहले मैं गार्नियर यूज करती थी पर गार्नियर बहुत टाइम ना मुझे ब्रेकआउट्स दे दिया स्किन में मतलब जब भी मैं उसे यूज करती थी कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है और मुझे लगता था मेरे मेकअप की वजह से बट वो मेरे रिमूवर की वजह से इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते थे बट जब से मैंने ये बाम यूज़ किया है और ये बाम इतना अच्छा है कि कितना भी आपका हैवी मेकअप हो लाइक कितना भी

इतना ज्यादा क्रीमी है मतलब आ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अप्लाई किया और मैं धो रही हूँ पानी से धो रही हूँ पानी से ऐसा लग रहा है कि वो निकल ही नहीं रहा है बट वो इतना ज्यादा क्रीमी इसे यूज करने के बाद समटाइम्स बहुत ज्यादा हैवी वेंटर नहीं रहता है तो मुझे ऊपर से लोशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है शार लेने के बाद ये इतना ज्यादा क्रीमी है मस्ट ट्राई गाइज बहुत अच्छा ये बॉडी वॉशिंग बिकॉज बहुत सारे बॉडी वॉश होते कि स्किन को ड्राई कर देते हैं बट ये ड्राई बिल्कुल नहीं करता बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है बहुत ज्यादा क्रीमी है एक्चुअली मैं ये बोलूंगी नेक्स्ट <laughs> लिया मैंने ये सनस्क्रीन डॉट एंड की का यूज़ुअली मैं हमेशा न्यूट्रीजिना वाला ही सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्किन पे वो ही सूट होता है एक्चुअली मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट में जल्दी स्विच नहीं करती हूँ क्योंकि जो मेरे स्किन पे सूट हो गया मुझे लगता है इट्स परफेक्ट फॉर माय स्किन मैं अब इसके बाद रिस्क नहीं लेना चाहती बट स्टिल मुझे अब मैं कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज कर रही हूँ जस्ट ट्राई आउट करने के लिए कि मे भी हो सकता है उससे बेटर भी मुझे कुछ मिल जाए तो इस बार मैंने सनस्क्रीन चेंज किया है और इसको मैं रिकमेंड नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज आई हैव नेवर तो मैं कैसे रिकमेंड करूं बट मैंने इसके बारे में बहुत रिव्यू देखा काफी अच्छा है काफ़ी अच्छा एंड ऑल दैट तो मैंने बोला वाई नॉट एक बार ट्राई कर लेती हूँ अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं आपको इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं तो मैं अपडेट दे ही दू नेक्स्ट मैंने लिया ये डिप एंड नेल पॉलिश रिमूवर इट्स सो सो अमेजिंग प्रोडक्ट यार मतलब बस एक बार आप डिप करो बस इस तरीके से घुमाओ आपका बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है मतलब एक टाइम पे था ना ऐसे नेल पॉलिश लेकर भी ना बैठ के इतना ज्यादा उस पर वर्क करना पड़ता था नेल्स पे तब जाके निकलता था और अब इतना इजीली निकल जाता है और इसपे इतना अच्छा डिस्काउंट मिलता है ये ऑलरेडी काफी चीप है यार आई डोंट नो द प्राइस आपको डिस्प्ले हो रहा होगा सबका ही डिस्काउंट प्राइस भी बट ये बहुत ही अच्छे ऑफर मिल गया वैसे ऑफर नहीं रहता तो मैं इसे बाय करती ऑलरेडी मुझे ये बहुत ही चीप लगता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये मैंने लिया ये फाउंडेशन फॉर एवर का प्रो आर्टिस्ट ये न्यू है और एक्चुअली मैंने ये फाउंडेशन इसलिए की मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को देखा है इसे यूज़ करते हुए तो मुझे एक ट्राई करना था एक वेरी स्पेशल सीरीज़ के लिए जो कि आपको आएगा इन फ्यूचर मैं पता चल जाएगा कि Uh, किस सीरीज की मैं बात कर रही थी तो उसके लिए मैंने ये फाउंडेशन लिया है तो मुझे जस्ट ट्राई कर रहा था कि ये कैसा है डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड बिकॉज अभी तक तो मुझे खुद ही नहीं पता कि इसका कवरेज कैसा है एंड ऑल दैट नेक्स्ट फाउंडेशन लिया मैंने लैकमे का नाइन टू फाइव प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन एक्चुअली इसका मैंने छोटा पैक खरीदा था ट्यूब में आता है थ्री हंड्रेड के अराउंड था और उस टाइम पे जब मैंने वो बाय किया था मुझे इतना अच्छा लगा लाइक ये ये फाउंडेशन काफ़ी टाइम से इट्स नॉट न्यू बट मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं और जब वो छोटे पैक में आया तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी कुछ भी नया चीज़ ट्राई करती हूँ मैं सबसे स्मॉल वाला सिलेक्ट करती हूँ जब तक कि वो मेरे रीपर्चेज में नहीं होता मैं उसका बड़ा पैकअप भी नहीं बाय करती हूँ तो मैंने छोटा वाला ट्राई किया था मुझे इतना अच्छा फाउंडेशन लगा आपने देखा भी होगा मेरे किसी वीडियोस में और रिसेंटली मेरा वीडियो था मेकअप वीडियो जिसमें कि काफ़ी फ्रेश लुक ऐसा लोगों ने कमेंट किया अच्छा था काफ़ी अच्छा लुक था मेकअप क्रिएट हुआ था इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद आया और ये वाला फाउंडेशन बड़े वाला और छोटे वाले में सिर्फ थर्टी या फोर्टी रुपीज़ का डिफरेंस था डिस्काउंट इतना ज़्यादा था तो मैंने ऑब्वियसली ये बड़ा वाला लिया इफ आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट फाउंडेशन इन अ रीजनेबल प्राइस डेफिनेटली गो फॉर दिस ये भी कुछ थ्री हंड्रेड के अराउंड था और जो मेरा शेड है वो लिया है मैंने वॉम बेच टू फोर्टी इन केस यू वॉन्ट टू नो दिस इज़ माई

और एक स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया है और क्रेन्स दोनों लिया है मुझे ट्राई आउट करना था एक्चुअली uh, मैंने स्विस ब्यूटी का ऑलरेडी ये लिप लाइनर इसमें का ट्राई किया है काफ़ी अच्छा लगता है यार इतना अफोर्डेबल प्राइस में और ये तो मुझे आई थिंक फिफ्टी फिफ्टी थ्री आई डोंट नो बट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे uh, प्राइस में मिल गया था और ये जो शेड है जो मैंने लिया है पिंक क्रश टेन काफ़ी प्यारा लाइक पिंक एकदम बहुत ही प्यारा सा शेड है ये है स्विस ब्यूटी का बट मुझे जो फर्क आज मैंने वही लगाया है मार्स मार्स का मार्स का कॉस्मेटिक ये लिया है मैंने वाइन समथिंग है यार क्या नाम है इसका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वाला मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक स्मूद लगा कंपेयर टू तो स्विस ब्यूटी से काफी स्मूदली अप्लाई हो रहा था एज यू कैन सी और ये लिप लाइनर मुझे uh, मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम ही प्राइस है आसपास पर मुझे स्विस ब्यूटी से ज्यादा मास कॉस्मेटिक का लगा तो आप डेफिनेटली एक बार मास कॉस्मेटिक का लिपलाइनर चेकआउट कर सकते हैं हाँ क्रेयॉन भी आज मैंने आ, मास कॉस्मेटिक का ही अप्लाई किया है सो so, ये न्यूड कलर में है दिस इज द शेड बहुत बहुत ही प्यारा शेड है ये शेड है स्माइल प्लीज जीरो नाइन नेक्स्ट ये स्विस्ट ब्यूटी का शेड है कॉफी में है It's really a shade, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे ये बस यही बात है कि मास कॉस्मेटिक और स्विस्बिटी इन लोग के प्राइस इतने अफोर्डेबल है क्रेयॉन में भी इतने अच्छे अच्छे मिल जाते हैं सो so, काफी अच्छा ऑफर चल रहा है इस गो फॉर इट नेक्स्ट इज इस पैलेट ये मैंने बाय नहीं किया है ये जस्ट रिकमेंडेशन के लिए आपको बता रही हूँ अगर आप कोई आई शेडो अच्छा पैलेट देख रहे हो इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है फिफ्टी परसेंट ऑफ है सीधे डेढ़ हज़ार का है कुछ साढ़े सात सौ में मिल रहा है तो डेफिनेटली आप ये वाला एक बार आई शेडो चेकआउट कर सकते इसमें सारे ग्लिटर्स और मैं बहुत बार इसे यूज कर चुकी है आपने मेरे ट्यूटोरियल में देखा होगा तो ये वाला आई शेडो पैलेट पे अच्छा ऑफर है दैट्स व्हाई मैंने सोचा आपको एक बार सजेस्ट कर दूं काफ़ी अच्छा है नेक्स्ट मैंने बाय किया ये हाइपर कल का मस्कारा uh, मेबलिन का मैंने यूजुअली कभी भी यूज नहीं किया ये वाला रिव्यू देखा काफ़ी अच्छा लगा सिर्फ इसलिए मैंने लिया लेकिन मैं आपको सजेस्ट uh, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकती बिकॉज मैंने यूज नहीं किया बट ये वाला जो है स्काई uh, है इस पर बहुत ही अच्छा ऑफर है लाइक फोर्टी ऑफ चल रहा है अभी तक अगर आपने इसे बाय नहीं किया या ट्राई नहीं किया है आग बंद करके जा जाके ले लो बहुत ही अच्छा मस्करा है बिलीन का स्काई हाई फोर्टी परसेंट डिस्काउंट इतना अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलेगा जाके ले लीजिए तो so, अब हम आ जाते हैं हमारे फ्री फ्री वाले प्रोडक्ट के पार्ट पे तो सबसे पहले मुझे मिला ये क्यूट सा सीटाफिल का

Next is this Forever 52, जो foundation लिया था उस पे ये छोटा सा ग्लिटर वाला मिला है है इसका मैं आपको दिखा देती like, का क्योंकि मुझे फ्री मिला मैंने इसे अभी ओपन भी नहीं किया एक बार मैं ओपन करके देख लेती कैसा है सो so गाइज ये है छोटा सा ट्विंकल स्टार ग्लिटर क्यूट पैकेजिंग so nice, में है बहुत ही प्यारा है आप देख सकते हो ग्लिटर्स है एक्चुअली फ्लेक्स टाइप है लूज ग्लिटर्स बोल सकते इट्स इट्स नॉट स्टिकी बट वेरी वेरी नाइस सो गाइज माय हॉल एंड रिकमेंडेशन और कुछ रिकमेंडेशन रहेंगे तो मैं इंस्टा पे देती रहूंगी सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल सो गाइज वीडियो कैसा लगा और सारे ही प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं तो आप जाके बाय कर सकते हैं वहां से फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा